फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर, ये है ओप्पो का मोबाइल और इसमें आप यहाँ पर कीबोर्ड थीम कैसे चेंज करेंगे, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर एडिट सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट मेथड पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर जीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थीम पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मेरी थीम आपके सामने ओपन हो जाता है। किसी भी थीम को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये थीम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सीनरी से रिलेटेड है। और यहाँ पर इसे ऑफ कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस पर अप्लाई करेंगे और मल्टीपल एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है। फिर से यहाँ पर सेटिंग भी एक शॉर्टकट तरीका है, सेटिंग आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर थीम पर क्लिक करेंगे। ये शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर कलरफुल यहाँ पर कीबोर्ड थीम मिल रहा है, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू कलर है या यहाँ पर मुझे ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद मल्टीपल एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। खुद का फोटो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपको मैं बताऊंगी लास्ट में, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। लाइट मोड का ऑप्शन मिला है, यहाँ से आप लाइट मोड भी कीबोर्ड थीम चेंज कर सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं अपना फेवरेट और कीबोर्ड थीम यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल एप्लीकेशन करेंगे एंड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। और देख लेते हैं लास्ट आपको मिलता है डार्क, शो मोड पे क्लिक करेंगे, मैनी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ से इसे अप्लाई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पर्पल है एंड पर्पल ब्लू है और ग्रीन एंड ये ब्लू, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ से आप चाहे तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसको बैक करेंगे, फिर यहाँ पर चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से आप फोटो भी चेंज कर सकते हैं अगर प्लस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से जी फ्रेंड्स, फिर से आपको बता रही हूँ, प्लस पर क्लिक, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड थीम पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फोटो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि फोटो है मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से ऊपर नीचे इस तरीके से आप फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे कर रही हूँ इतना काफ़ी है या इतना नो काफ़ी। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको ब्राइटनेस फुल करना है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन करेंगे और चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है सेटअप हो चुका है, काफ़ी हाफ लगा है, कोई बात नहीं फुल लगा लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जिसकी फोटो है मैं यहाँ पर क्रॉप करके इसको लगा रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ब्राइटनेस फुल करेंगे और यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन करेंगे और चेक करेंगे। तो ये हो चुका है फोटो, यहाँ से आप लगा सकते हैं। थोड़ा आप ऊँचा क्रॉप करेंगे आप तो थोड़ा उसको ऊँचा करें फोटो को, ताकि यहाँ पर जो है सही से फोटो लगेगा। तो यहाँ से आप फोटो को अप्लाई कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको मैं दिखा देती हूँ दोबारा, यहाँ पर फुल ब्राइटनेस करना है। अब देखते हैं कैसा लग रहा है फोटो, यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो इसे किसी लगा सकते हैं आप। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।